गणपति डेकोरेशन एट होम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड पे ऐसे शेप कट कर लिए। फिर डार्क ग्रीन कलर से मैंने पूरा कार्डबोर्ड को कलर कर रही हूँ। कलर कंप्लीट हो जाने के बाद कलर को मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दी। फिर मैंने कार्डबोर्ड को बैक साइड टर्न की। ये पिंक कलर के लेस से इस तरीके से इसको पेस्ट कर रही हूँ। आप कार्डबोर्ड को फ्रंट साइड टर्न की। ये येलो चार्ट पेपर से मैंने एक पेपर कोन बना लिया है। कार्डबोर्ड के चारों तरफ मैंने ग्लू पहले लगा लिए। फिर कुछ प्लास्टिक के फ्लावर्स को मैंने इस तरीके से अरेंज किए जा रही हूँ। बस रेडी हो गया गणपति डेकोरेशन के बैकग्राउंड। गणपति जी के सिंहासन बनाने के लिए मैंने इस बॉक्स के ऊपर पिंक कलर के ये क्लॉथ रैप कर दी। बॉक्स के साइड पे मैंने ये व्हाइट वाला लेस पेस्ट कर रही हूँ। अब मिडिल पे ये येलो चार्ट पेपर पेस्ट कर दी। अब टेबल पे एक रेड क्लॉथ कवर कर दी। फिर टेबल पे सारे डेकोरेटिव आइटम्स अरेंज कर दी। फिर गणपति जी को स्थापित कर दी यहाँ पर। Thanks for watching.